हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं फ्यूचर ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का फ्यूचर क्या क्या है और किन किन पॉइंट पे ध्यान देने वाली चीज है, इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज डॉक्टर के एन झा जी इस टॉपिक पे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको बताएंगे कि फ्यूचर ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये दीवार बिग सैम से बनी है, तुमसे नहीं टूटेगी। बिग सैम सीमेंट, बिल्ड सॉलिड। फ्यूचर ऑफ द ब्रांड बिल्डिंग, प्रश्न ये उठता है कि ब्रांड बिल्डिंग का भविष्य कैसा है। तो हमारे हिसाब से ब्रांड बिल्डिंग का भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साल दर साल भारतीय जो मीडिया बाजार है उसमें कॉरपोरेट का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। यदि हम पिछले वर्ष जो अभी चालू वित्तीय वर्ष है, जिसमें कि कोविड का ज्यादा प्रकोप रहा है, उसको छोड़ दिया जाए तो साल दर साल लगभग 12-15% की एवरेज दर से मीडिया का स्पेंडिंग बढ़ रहा है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में मीडिया स्पेंडिंग में यूएस के बाद दूसरा स्थान रखता है। क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ तरह तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, यहाँ अपने भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, प्लस जो बाहर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट यहाँ आ रहे हैं, जिससे कि कंपटीशन बाजार में होता है। और यदि कंपटीशन होगा तो मीडिया का स्पेंडिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मीडिया का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मीडिया का स्पेंडिंग जो बढ़ा है, इसके साथ ही मीडिया के क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं आई। इन समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। पहला समस्या है कि जो ब्रांड मैनेजर के लिए बाजार में ये समस्या ये है कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन। ब्रांड मैनेजर के लिए ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में सबसे पहली समस्या ये आती है कि प्रोडक्ट का आप पोजिशनिंग किस तरीके से करते हैं और उस पोजिशनिंग के लिए कम्युनिकेशन का क्या रास्ता अपनाते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो होते हैं उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो या उनके डिफरेंट यूएसपी हुआ करते हैं। अब ब्रांड मैनेजर के सामने में ये समस्या होती है कि उसमें से कौन सा यूएसपी को लेकर के हम अपने टारगेट कस्टमर को कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन का कौन सा माध्यम सेलेक्ट करें। इसमें एज एक सक्सेसफुल ब्रांड मैनेजर का यह दायित्व होता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस के जो यूएसपी है, डिफरेंट यूएसपी है, उन सभी यूएसपी में से एक दो अच्छे यूएसपी को, जो सशक्त यूएसपी है, उनको सेलेक्ट करें और उसको उस यूएसपी को लेकर के कस्टमर तक पहुंचे, ताकि आपकी प्रोडक्ट की एक अलग पहचान बन सके। इसमें हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे आपको कि जैसे आप सीमेंट क्या लेते हैं, सीमेंट में एसीसी सीमेंट जो सीमेंट में सबसे अच्छा सीमेंट है, या जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट एक बेहतरीन सीमेंट है, प्रीमियम क्वालिटी का सीमेंट है, लेकिन उन्होंने अपने डिफरेंट गुणों को अलग करते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने सीमेंट का जो कम्युनिकेशन बनाया है, इंजीनियर्स चॉइस। जैसे इंजीनियर्स का चॉइस का अर्थ होगा, यदि इंजीनियर्स का यह चॉइस बनता है, बना हुआ है, तो सभी का ये चॉइस बनेगा। इसी तरह से एसीसी का एक सीमेंट का है, पंचलाइन है F2R, माने फाउंडेशन टू रूफ। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन इस तरह से करना चाहिए, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग इस तरह से करने चाहिए सक्सेसफुल ब्रांड मैनेजर को, जो कि कस्टमर तक आसानी से आपकी ब्रांड की जो कम्युनिकेशन है वो पहुंच सके। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ मीडिया और मीडिया मिक्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत ही तरह के मीडिया उपलब्ध हैं और फिर डिफरेंट मीडिया के सब कैटेगरी है। ऐसे स्थिति में ब्रांड मैनेजर के लिए यह समस्या हो जाता है कि कौन सा मीडिया हम सेलेक्ट करें और किसको हम छोड़ दें। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे समय में एक सक्सेसफुल ब्रांड मैनेजर का रोल ये होता है कि उन मीडिया में से सभी जो मीडिया के कैटेगरी है उसमें से अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से जो सूट कर रहा है उस मीडिया को सेलेक्ट करें। हर कैटेगरी में से 2-3 उस मीडिया को सेलेक्ट करें और उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपका उसको उससे मैक्सिमम आपको फायदा मिल सके, यूटिलाइज हो सके और आपकी ब्रांड ब्रांड आपका ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है
कस्टमर तक या आपके बिजनेस एसोसिएट तक पहुंचे और अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेल्स एंड मैक्सिमम रियलाइजेशन प्राप्त हो सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण समस्या ब्रांड मैनेजर के लिए है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीआरएम। सीआरएम जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, आज के दिन में जब से खास करके इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपलब्ध हो गई है या वेबसाइट उपलब्ध हो गई है तो सीआरएम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में। तो एक ब्रांड मैनेजर को अच्छी तरह से अपने जो कस्टमर का फीडबैक है या कस्टमर का डाटा है उसको एकत्र करें, एनालाइज करें, फिर इंटरप्रिटेट करें और उसके हिसाब से सीआरएम का अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोडक्ट के लिए और सर्विस के लिए इम्प्लीमेंट करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जो ऑर्गेनाइजेशन या जो ब्रांड मैनेजर यह काम करेगा, काम कर लेंगे, उनका ब्रांड बिल्डिंग का एक्सरसाइज सक्सेस होगा। यदि नहीं कर पाएंगे तो उनका सक्सेस नहीं होगा। एक है इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द मीडिया। इसका आज के दिन में ब्रांड मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि इतने सारे मीडिया हो गए हैं तो एक तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया, एक इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया और दूसरा स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द मीडिया। तो ब्रांड मैनेजर को इन दो समस्याओं से तो रूबरू होना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया में जैसे आप कोई मीडिया ऑनलाइन है तो उस मीडिया को आप ऑफलाइन में कैसे यूज कर सकते हैं, इसी तरह जैसे आप ऑनलाइन मीडिया में हम आप बताएं सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ब्लॉग पोस्ट है, इन सब पे जो पोस्ट आप करते हैं इसको फिर कैसे आप ऑफलाइन मीडिया मान लीजिए कि उसको ब्लॉग को किसी ब्लॉगर से जब आप ब्लॉग ऑनलाइन पे दिलवाते हैं उस ब्लॉग को फिर आप प्रिंट करवा करके फिर अपने कस्टमर के काउंटर पर रखते हैं या अपने बिजनेस एसोसिएट को आप देते हैं, कस्टमर को देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया हुआ कि कभी कभी ऑनलाइन मीडिया को आप ऑफलाइन लाते हैं, इसी तरह से ऑफलाइन मीडिया जो होती है आप उसको ऑनलाइन ले जाते हैं। जैसे आप कोई एक्टिविटी करते हैं, डीलर मीट कर रहे हैं या आप रिटेलर मीट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर मीट कर रहे हैं या आप कोई डिस्प्ले कर रहे हैं उसको डिस्प्ले के फोटोग्राफ को फिर जब आप ऑनलाइन मीडिया पर सोशल मीडिया पर ले आते हैं तो उससे आपको फायदा मिलता है। तो एक अच्छे ब्रांड मैनेजर को चाहिए कि ऑफलाइन मीडिया की जो है उसको फिर ऑनलाइन पे लाएं और ऑनलाइन पे जो डिस्प्ले है उसको ऑफलाइन पे आए। इस तरह के इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया करने से आपकी कम खर्चे में ब्रांड की विजिबिलिटी ज्यादा होगी और ब्रांड मजबूत होगी। दूसरा इसका है स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द मीडिया। हाल के दिनों में देखा गया है कि मीडिया के क्षेत्र में कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज हुए हैं जिसको हर आदमी उसको गौर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सक्सेसफुल ब्रांड में मीडिया में जो हुआ है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि जैसे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं लेकिन हाल में आप देखे होंगे कि जो न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको अब काफी स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी या प्रोडक्ट भी कई कई प्रोडक्ट और सर्विसेस है उसको एडवोरियल के रूप में पेश करते हैं, जो एक आलेख के रूप में पेश करते हैं जो आपको देखने में तो लगता है कि ये लेख है लेकिन ये बेसिकली एडवोरियल इसको बोलते हैं। ये उस प्रोडक्ट का उस सर्विस का प्रचार होता है। इसी तरीके से टीवी पे आप किसी ब्रांड के बड़े अधिकारी को आप इंटरव्यू देखते हैं उसमें डायरेक्ट टीवी पे ऐड तो नहीं होता है लेकिन उस समय जो अधिकारी होते हैं या सीईओ होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस आपको अच्छी तरीके से कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार से आप जब कोई वर्कशॉप होता है या सेमिनार होता है उसमें कंपनी के अधिकारी को जब बोलने का मौका मिलता है तो उस तरीके से भी वह टीवी पे या सेमिनार में अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेज इन द मीडिया है तो ब्रांड मैनेजर को चाहिए कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस चेंजेज का फायदा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस बात का फायदा उठाएं। इसी में स्ट्रक्चरल चेंजेज मीडिया में हम आपको बता सकते हैं कि कुछ कंपनियां जो अपने एड स्पेंडिंग का मैक्सिमम पार्ट वो सीएसआर के थ्रू करती है, सीएसआर के थ्रू करती है जिसमें मास कवरेज होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका सर्विस कैसा है,
कि इसमें सीएसआर के थ्रू स्पेंडिंग करने से आपको कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है। यदि प्रोडक्ट मासेस का है तो ऐसी स्थिति में आपको सीएसआर के थ्रू ब्रांडिंग करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस का एक आपको एग्जांपल और आपको मिल सकता है, जैसे मीडिया, आप टीवी पे कोई एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि टीवी पर का व्यूअरशिप थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ओटीटी या यूट्यूब या मोबाइल और स्मार्टफोन आने के साथ लोगों का टीवी के साथ बैठने का समय उनका कम हो गया है। तो ऐसे समय में ब्रांड मैनेजर को चाहिए कि टीवी एड से के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर या ऑनलाइन मीडिया डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने एड को अपने स्पेंडिंग को ले जाए, ताकि अधिक से अधिक आपको बेनिफिट मिल सके। मॉनिटरिंग ऑफ मीडिया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मॉनिटरिंग ऑफ मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है आपके ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज में। आप कितना भी खर्च कर लें, कितना भी मीडिया खरीद लें या मीडिया पर स्पेंडिंग कर लें, यदि आप उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। इसलिए मॉनिटरिंग ऑफ मीडिया बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसके लिए ब्रांड मैनेजर को चाहिए कि अपने जो आपका जो मीडिया सेलेक्ट किया हुआ है, जो मीडिया जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस मीडिया का एक पीरियोडिकली उसका रिव्यू करें। रिव्यू मंथली करें, क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें और ईयरली करें। तो मंथली और क्वार्टरली करने पे, रिव्यू करने पे, उस दरमियान जो भी आपका मीडिया इनएफेक्टिव है उसको हटा दें, अगले प्रोग्राम में जो इफेक्टिव है उस पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दें। इस बात का रिव्यू आपको करना चाहिए कि किस तरीके से करें। एक सक्सेसफुल ब्रांड मैनेजर का यह दायित्व बनता है कि मीडिया का मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग करके उसकी ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मीडिया एंड मार्केटिंग रिसर्च, जैसा कि पहले हमने आपको बताया था कि ब्रांड बिल्डिंग आप कितना भी स्पेंडिंग कर लें, लेकिन यदि उसकी इफेक्टिवनेस की, ब्रांड बिल्डिंग या एड स्पेंडिंग की यदि आप इफेक्टिवनेस की मेजरमेंट नहीं करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप इफेक्टिवनेस को समय समय पर जांचते रहें, समय समय पर उसको टेस्ट करते रहें और उसकी एनालिसिस कर उसके रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंट करें। साथ ही मार्केटिंग रिसर्च, डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग रिसर्च बाजार में उपलब्ध है, उसके माध्यम से, इंडिपेंडेंट माध्यम से बाजार का ट्रेंड, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के कैटेगरी में कंज्यूमर्स का क्या परसेप्शन है, आपके बारे में क्या परसेप्शन है, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या परसेप्शन है, आपका कॉमर्शियल टर्म्स के बारे में क्या परसेप्शन है, आपके सर्विस के बारे में क्या परसेप्शन है, इन सब चीजों का इंडिपेंडेंट फीडबैक लेना चाहिए मीडिया मैनेजर को, और उस फीडबैक के आधार पर फिर नई पॉलिसी बनानी चाहिए और या जहां सुधार करने की जरूरत है वहां सुधार करना चाहिए और अपने ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज को मजबूत करना चाहिए। ओवरकम द क्राइसिस, ब्रांड बिल्डिंग का एक्सरसाइज में जैसा कि हमने पहले बताया था कि समय समय पर ब्रांड कितना भी मजबूत होता है कोई न कोई क्राइसिस आ जाता है, और वो क्राइसिस न केवल ब्रांड को कमजोर करता है बल्कि परिस्थितियां विपरीत होने पे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके कंपनी को भी नेस्तनाबूद कर देती है। ऐसी परिस्थिति में ब्रांड मैनेजर को चाहिए कि अपने आप को क्राइसिस मैनेजमेंट से किस तरह से, कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट के का रूपरेखा तैयार रखनी चाहिए, और यदि ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस आती है तो उस क्राइसिस को कैसे ओवरकम करें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक सफल ब्रांड मैनेजर के लिए ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है जितना कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट का ओवरकम की एक्सपीरियंसेस या कार्य क्षमता होनी जरूरी है। सबसे लास्ट जो है सेल्स मार्केटिंग वर्सेस ऑल डिपार्टमेंट टीम्स, ये ब्रांड बिल्डिंग का सबसे लास्ट मंत्र समझना चाहिए कि ये ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है ये न केवल मार्केटिंग या ब्रांडिंग के मैनेजर का काम है, न कि सेल्स के मैनेजर का काम है, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट का यह काम है। एचआर हो या फाइनेंस हो या प्रोडक्शन हो या लॉजिस्टिक हो या कॉरपोरेट डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को, सेल्स अकाउंट हो, हर डिपार्टमेंट के लोगों को बाजार में जाना चाहिए
अपने ऑफिशियल विजिट पर या अपने पर्सनल विजिट में भी यदि कहीं अपने जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, रुक करके अपने कस्टमर से, अपने बिजनेस एसोसिएट से, उससे ऑनेस्ट फीडबैक लेनी चाहिए और उस फीडबैक को देखें कि किस तरीके से आप फीडबैक से यदि कोई आप में कमी है तो आप कैसे उस कमी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करके कैसे सुधार कर सकते हैं, सुधार करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई अकाउंट्स का आदमी, अकाउंट्स के सीनियर आदमी बाजार जा रहे हैं तो उनको जाकर के अपने कस्टमर से या अपने बिजनेस एसोसिएट से पूछना चाहिए कि किस तरीके से अपने अकाउंटिंग के जो उनका प्रोसीजर है उसमें ये सुधार ला सकते हैं, या उनके प्रोडक्ट में कोई कमी है तो ये प्रोडक्शन टीम को कन्वे कर सकते हैं कि ये सुधार होना चाहिए। इस तरह से ये ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी जो है किसी पर्टिकुलरली एक ब्रांड मैनेजर का काम नहीं है या मार्केटिंग मैनेजर का काम नहीं है या सेल्स का टीम का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है। जब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बिहेव करेगी कि आपका कस्टमर ही सर्वोच्च है, तभी जाकर के ब्रांड बन सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपका कस्टमर कितना भी लॉयल क्यों नहीं हो, आपका ब्रांड कितना ही स्ट्रांग बाजार में क्यों नहीं हो, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑफिस प्रीमिसेस में रिसेप्शन पे उस आपके कस्टमर से या आपके कंज्यूमर से यदि सही तरीके से बिहेव नहीं होता है तो कस्टमर इर्क हो सकता है या आपसे रुष्ट हो जाएगा और आपसे डिसकंटिन्यू हो सकता है। व्यावहारिक मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हैं कि सेल्स मार्केटिंग के अलावा कोई और डिपार्टमेंट के लोगों से जब कस्टमर इंटरेक्ट किए हैं और उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से उस कस्टमर ने अपना नाता तोड़ लिया है। तो एट लास्ट हम यही बोल सकते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है और इसमें ब्रांड मैनेजर का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उनको ब्रांड मैनेजर को अपने मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग के एक्टिविटी के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको कंसोलिडेट करके, उनको अपने एक्टिविटी का पूरी जानकारी दे करके, उनको उनसे भी अपने ब्रांड की ताकत बढ़ाने की प्रयास करनी चाहिए अल्टीमेटली, जिससे कि बाजार में आपकी प्रोडक्ट और सर्विस मजबूत हो सके और उसका मजबूत होने पे आपकी डिमांड अच्छी होगी तो आपकी सेल ज्यादा होगी तो आप प्राइस प्रीमियम ले सकते हैं, प्राइस प्रीमियम लेंगे तो आपकी कंपनी की ब्रांड इक्विटी बढ़ेगी, ब्रांड इक्विटी बढ़ने पे फिर आपको ईविटा कंपनी का बढ़ेगा, प्रोफिटेबिलिटी ज्यादा होगी और कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी। दैट्स इट। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी फ्यूचर ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।